हेलो, आज मेरी आवाज़ आ रही होगी। बहुत दिन बाद आज मैंने वीडियो बनाई है। तो बस फटाफट मैं वीडियो बताता हूँ क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मासिस्ट की, A&M की, स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की और इन सब की वैकेंसी निकली हुई है। बहुत जल्दी हम देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है और ज़्यादा टाइम नहीं लेने का, मैं फटाफट बता दूंगा। मेरा वीडियो बनाने का इतना ही मकसद है कि ताकि आप सबको पता लग जाए, जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है उन्हें पता रहे यहाँ कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। अच्छी वैकेंसी है, जो इसे अप्लाई कर सकता है जरूर करे। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो उसे वॉल्यूम इंक्रीज कर लेना, एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। और मैं इस PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसी क्या है, इन इन सब्जेक्ट इन इन की आ रही है, A&M की, स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की और फार्मासिस्ट की। क्या क्या है देख लेते हैं। ये वैकेंसीज है, आप सब इजीली देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी है, ये दिख रही है आपको। मैं अभी से बताऊंगा तो ये वीडियो बेफालतू में लंबी होगी। तो ये वैकेंसीज है जिसकी जो भी है, फार्मासिस्ट की 209 और ये फार्मासिस्ट की 209 है, DHS के अंदर 46 है, इस तरह ये सब है। मेन बात क्या है, हमें इसकी क्या क्या चीज़ चेक करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसकी क्या क्या होगी। हाँ, ये रही इसकी एलिजिबिलिटी, चेक करते हैं एलिजिबिलिटी। अगर हम देखें स्टाफ नर्स के लिए क्या होगी, स्टाफ नर्स के लिए वही डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग मिडवाइफरी में, या BSc नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो असली है, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम UP नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल एट द टाइम ऑफ, जब ऑनलाइन सबमिट करोगे फॉर्म उससे पहले पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेम A&M वालों के लिए है और फार्मेसिस्ट वालों के लिए भी सेम चीज़ है, डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यही असली मेन बात है। मतलब कुछ लोग सोच भी रहे थे और कुछ का मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर क्या हम भी भर सकते हैं कैसे, दिल्ली वालों का ये था। तो मैं बता दूं, दिल्ली वाले से नहीं भर पाएंगे, सिर्फ UP का जिसका रजिस्ट्रेशन है वही भर सकते हैं। आप चाहो तो UP के अंदर अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या नाम है, जो भी आप मतलब जो आपको जो दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसे ट्रांसफ़र करके UP में कर सकते हो। UP में लंबा टाइम भी लग सकता है तो भागदौड़ करनी पड़ेगी अगर कोई भी करना चाहता है तो। और ये तो हो गई क्या इसकी एलिजिबिलिटी। अगर हम देखें इसके अंदर सिलेबस वगैरह क्या रहा है, एलिजिबिलिटी मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी और तो कुछ इसके अंदर। हाँ, अब हम इसका देखते हैं सिलेबस। ये कह रहे हैं टेस्ट कहाँ, मतलब जो एग्ज़ाम सिटी है कहाँ पे होगी, UP के सभी बड़े शहरों में होगी। अगर हम UP के बड़े शहर बहुत सारे हैं, अब आप देख लो, लखनऊ, आगरा, बरेली, कानपुर, गाजियाबाद हो गया आपका, गौतम बुद्ध नगर हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा, ये सब चीज़ बड़े बड़े शहर हैं, बरेली, बलिया। और आई एम सो सॉरी अगर UP का कोई बड़ा स्टेट हो, मैं भूल उसका नाम लेना भूल जाऊँ और आप उसी स्टेट के हो तो आपको अजीब भी लग सकता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT ऑनलाइन टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। सेक्शन 1 80 नंबर का होगा और सेक्शन 2 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 जो 80 नंबर का पूरा मोहल्ला क्लिनिक के दौरान सारा चैनल पे रिकॉर्ड है, जो चाहे देख सकता है, बाकी मर्जी है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नॉर्मलाइजेशन लगाया जा सकता है, कन्फर्म नहीं है। और पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 33% मार्क्स होने चाहिए 100 के अंदर। जनरल के लिए 100 में से 33 नंबर, OBC के लिए 30, ST और SC के लिए 24। ये इनका क्या है, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है इसके बारे में। और अब देखते हैं इसका सिलेबस। अगर हम सिलेबस देखें, LT ग्रेड वाले, और सॉरी LT ग्रेड कह रहा हूँ, लैब टेक्नीशियन वाले अपना देख सकते हैं सिलेबस। एक तो क्या है, बेसिक हिमेटोलॉजी है, ब्लड बैंकिंग है, इम्यून हिमेटोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है। और जो जर्नल पेपर है, जर्नल पेपर में वही मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है। पांच पांच क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे इसमें। और 80 नंबर का क्या आएगा, ये फार्मासिस्ट के अंदर भी देख लो, आपको मोहल्ला क्लिनिक के दौरान सारा सिलेबस करवाया हुआ है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और यही टॉपिक आएंगे बस ये इतने से। और इसी तरह जो हमारा सूटिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर इतना सा है, और ये रहा फार्माकोग्नोसी, और फार्माकोग्नोसी हो गया, और ये हमारा फार्माकोग्नोसी एडल्ट्रेशन वगैरह, बायोकेमिस्ट्री, और आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वही जो आपका सिलेबस होता है डिप्लोमा के अंदर, वही पूरा सिलेबस है।
और साथ में ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सारा सिलेबस है ओवरऑल। और 5-5 नंबर ये सेक्शन 2 के अंदर 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा और 20 नंबर का क्या आएगा आपका जर्नल पेपर आएगा। ANM वाले यहाँ ANM वाला देख सकते हैं सिलेबस, इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपके कई दिन से कुछ वो भी आ रहे थे कमेंट वगैरह अलग अलग चीज़ों पे, तो आई एम सो सॉरी मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया और ये वीडियो भी मैं बस बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। और शायद इसके अंदर कुछ पूछने लायक है नहीं, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट करते हो ना आपस में भी, आप जो आंसर दे देते हो उससे भी आप बहुत लोगों को पता लग जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके पूछ लेना, और जो आपस में हम इतने सारे लोग हैं तो आपस में जवाब भी दे देंगे और बाकी मैं भी दे दूंगा। अगर मुझे आंसर पता होगा तो मैं भी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बस थैंक यू सो मच। और मोहल्ला क्लिनिक का कोई अपडेट अभी तक तो है नहीं, अगर किसी के पास मोहल्ला क्लिनिक का कोई भी अपडेट हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।